विकास दुबे एनकाउंटर मामले के बाद बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। इसमें से एक है, क्या विकास दुबे ने आत्मसमर्पण किया था, लेकिन क्या पुलिस इसे आत्मसमर्पण की जगह गिरफ्तारी दिखा रही है। दरअसल कुछ वीडियो और खबरें सामने आई हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि कुछ छिपाया जा रहा है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें विकास के पीछे सुरक्षा गार्ड सामान्य रूप से चल रहे हैं। यह वीडियो किसी सीसीटीवी फुटेज का नहीं है, बल्कि इस वीडियो को किसी ने बनाया है। इसके अलावा एक और फोटो सामने आई जिसमें विकास दुबे पुलिस के बैरिकेड के पास पैदल चलता दिखाई दे रहा है। यह फोटो भी किसी ने खींचा है। यदि विकास दुबे की पहचान के लिए किसी सुरक्षाकर्मी ने यह फोटो खींची है तो पहचान के लिए उसके चेहरे की फ़ोटो खींची जा सकती थी, न कि कटआउट साइज की फ़ोटो खींची जाती। क्या विकास ने आत्मसमर्पण की मंशा मंदिर परिसर में तैनात सुरक्षाकर्मियों को बता दी थी, जिसकी सूचना सुरक्षाकर्मियों ने अपने अधिकारियों को दे दी थी, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी का ताना बाना बुना गया। एक और खबर सामने आई है, सुरक्षा अधिकारी रूबी यादव को महाकाल परिसर के सुरक्षा अधिकारी पद से हटा दिया गया है। कई टीवी चैनलों में रूबी यादव ने इस पूरे घटनाक्रम को बताया था कि कैसे विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई। एक बड़े गैंगस्टर को पकड़ने वाली बहादुर रूबी यादव को हटाने का क्या कारण है? क्या रूबी यादव को इसलिए हटाया गया क्योंकि उसे मालूम है कि मामला कुछ और है? विकास दुबे ने यदि आत्मसमर्पण किया है तो क्यों पुलिस उसे गिरफ्तारी दिखा रही है? यदि विकास दुबे का समर्पण दिखाया जाता तो एनकाउंटर की मुख्य वजह समाप्त हो जाती, क्योंकि समर्पण किया हुआ व्यक्ति भागने की कोशिश नहीं करेगा। वैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि महाकाल का निर्णय अंतिम होता है। उज्जैन से कानपुर के बीखरू गांव की दूरी लगभग 700 किलोमीटर है। महाकाल विकास दुबे को अपने पास यूं ही नहीं बुलाया था। यह महाकाल की ही मर्जी थी कि उसके गुनाहों की सजा देने के लिए वैधानिक दायरे में रहकर पुलिस को माध्यम बनाया है, क्योंकि विकास ने पुलिस का ही सबसे ज़्यादा नुकसान किया था, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। DNX TV रायपुर।